4 दिन से गब्बर मेरे साथ नहीं है, और सचिन गब्बर को ड्रॉप करने गया था, अभी तक वो वहीं पर है। आज हम लोग जा रहे हैं गब्बर को पिकअप करने के लिए। वैसे आंखें छुपाकर नहीं, आंखें मिलाकर बात करते हैं गाइस। ये बोलना है आपको कि मेरे आंखों में देखो मैंने कितना मिस किया है गब्बर को। और पता है जब भी स्टोर आते हैं ना, तो स्टोर पर ऐसे ना बाइक लगी हुई रहती थी, तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे बैठ कर ना कंटिन्यूस उसको देखते रहो। 4 दिन से ना मैं जिनकी भी बाइक आती है ना स्टोर पर, मैं कंटिन्यूसली देखती रह रही हूँ उनके बाइक को। सो आई एम रियली नॉट फीलिंग गुड। नॉट फीलिंग गुड गाइस। ठीक विदाउट है, तो अभी बाइक, गब्बर लेने जाएंगे विदाउट बाइक, कुछ बोल रही थी, कंटिन्यू करिए आप। विदाउट बाइक फील्स इनकम्प्लीट गाइस। इनकम्प्लीट मेरे बिना भी। देयर आर स्टोरी तो गब्बर ह्यूमंस। लेने जाएंगे, आज बहुत सारा काम होगा, वी स्ट्रॉम से जाएंगे, मेरा वी स्ट्रॉम का हैंडल बार भी चेंज होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो अभी विदाउट फर्दर अडू हम लोग ने टाइम दिया है तो वहाँ पे जाएंगे। स्टोर पे भी बहुत सारी चीज़ें उसी रिलेटेड होने वाली है, तो ये वीडियो पूरा बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और आपको ये भी बताएंगे कि मेरे गब्बर पे क्या क्या एक्सेसरीज हम लोग ने लगाया है, कहाँ से लगाया है, वो हम लोग स्टोर पे रखने वाले हैं कि नहीं रखने वाले हैं, वो सारी चीज़ें बताने वाले हैं आपको। तो मेक श्योर करिएगा कि ये वीडियो देखिए अच्छे से। अगर आप आगे चलकर ट्रायम्फ टाइगर 850 या 800 या कोई भी बाइक खरीदना चाहते हैं, तो उसके ऊपर बाइक सेफ्टी के लिए क्या क्या लगा सकते हो, क्या क्या एक्सेसरीज लगा सकते हो, सबके बारे में ये वीडियो होने वाला है। वैसे ये वीडियो में पूरा तो नहीं होगा, आई थिंक जो हाँ, दो तीन वो चीज़ें जो एक्सेसरीज मैं अलग। बता नहीं हाँ सकती इस हाँ वीडियो में, वो चीज़ नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे सो वो। वी आर ऑल गियरिंग अप फॉर लद्दाख सीजन, उसके लिए सब चीज़ें चल रही है। एग्जैक्टली गाइस। सो जितने भी क्लाइंट्स आते हैं वो लोग भी एक्साइटेड है कि मैम सर आप लोगों को देखते हैं, वी विल मीट यू इन लद्दाख। तो यस यस, वेरी एक्साइटेड फॉर दिस राइड, वेरी मच एक्साइटेड, क्योंकि दो मस्त वाली और सुपर बाइक पे होने वाली है ये लद्दाख राइड। यस स्टोर पे पता नहीं चश्मा किया धूप है। बहुत है बाहर। सो गाइस, अच्छा, ये समर में आपकी आंखों को बहुत अच्छे से करो। एग्जैक्टली। और बाइकर्स लोग के हम लिए लोग इट्स दो वेरी तीन दिन पहले इम्पोर्टेंट। ही आई टेस्ट किया हम, बिकॉज ड्राइनेस काफ़ी हो रही है, तो आई ड्रॉप्स यूज़ करो, जो भी जैसे भी आप अपनी बॉडी और अपनी आईज़ की ख्याल रख सकते हो रखो। एग्जैक्टली, बाइकर्स लोग को आई आग के बारे में बहुत ख्याल रहना चाहिए। यस बाय बाय टू आवर हैप्पी प्लेस एंड माय अनदर हैप्पी प्लेस। सल्ला सवारी तैयार आहे। चला जाऊया गणपती बाप्पा मोरिया। नो मैटर इफ यू आर अ पीलिन, यू हैव टू वेयर प्रॉपर हेलमेट, यू हैव टू वेयर योर जैकेट एंड योर ग्लव्स, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑल्सो शूज। चप्पल में राइड मत कीजिए, बहुत अच्छी बात नहीं है यह चप्पल में राइड करने की। देखो इसके क्या है। तो ऐसा हुआ था कि हम लोग ने हैंडल बार जो है ये वाली चीज वो हम लोग भूल गए थे, और वो भूलने के बाद हम लोग ने यहाँ से आगे से यू टर्न मारा, लेकिन वहाँ से रॉन्ग वे था, तो हम लोग बिकॉज वी ऑलवेज फॉलो रूल्स हम लोग वहाँ तक गए नहीं। फिर निशांत को बुलाया था, निशांत ही इज़ अ टीम मेंबर ऑफ रूम स्टोर एंड ही वर्क्स विद अस। स्टोर या ये ब्रिज से इज हार्डली 7-8 मिनट्स, तो निशांत आ गया था। ट्रैफिक देखिए, ये भी रोड देखिए, हाय साला जाने तो हमको हाय साला। सचिन आगे बैठकर बाइक चलाने का फील ले रहा है, मैं पीछे बैठकर बाइक चलाने का फील ले रही हूँ। गाइस दिख रहा है आप लोग को, सब बैठ के एक्सीलेटर दो एक्सीलेटर। जब आप जस्ट पहुंचते हो और सिग्नल लगती है, उसकी जो दुख भरी कहानी है और दास्ता है इस गर्मी में बता नहीं सकते। जस्ट यहाँ तक पहुँचे और सिग्नल हो गया, और वो भी लंबी वाली सिग्नल है, ऐसी नहीं छोटी मोटी सिग्नल है, 131। ओ माय गॉड, क्या किया सचिन? एक्चुअली में ब्लूटूथ वाला हेलमेट नहीं पहना है, वो वहाँ पर जब गब्बर छोड़ने को गया था तो वहाँ पर ही रख दिया है उसने वो हेलमेट ब्लूटूथ वाली। और ये इसमें भी है वैसे, ASG की ब्लूटूथ है, लेकिन चार्ज नहीं था तो रख कर आए हम लोग। तो फिर अभी हम लोग के साथ ऐसा है कि हम लोग को चिल्लम चाली कर करके बातें करनी पड़ रही है। क्या 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 वैसे यहाँ से जाएंगे तो कावासाकी और ट्रायम्फ का शोरूम आएगा जोगेश्वरी में जो है। हमें जाना है यहाँ से सरल, सरल जायचा है हमारा, मराठी में ल ना मेरे को आज तक नहीं आया है, 9 साल की शादी। बाड़ो
नहीं होता है, बहुत हंसते थे तुम लोग और उस श्रुति भालेराव मेरी एक्स टीममेट थी ऑफिस में, वो भी बहुत हंसती थी। उसको जब हंसने का मन करता था ना, किरण ये बोलो ना, किरण वो बोलो ना, किरण ऐसा बोलो ना, और हंसते थे वो लोग सब बैठकर, सब हरामी दोस्त मेरे, हर एक दोस्त कमीना होता है। ट्रुथ, वहाँ पर एक जिम था, वहाँ पर लिखा था फिटनेस आर्ट, मुझे पढ़ने को आया फिटनेस आर्ट। ओहो बहुत ही स्मेली बात हो गई। एंड वी आर गोइंग टू रीच इन नेक्स्ट 5-10 मिनट्स, लेट्स गो। वहाँ पर मैंने कॉचेस पढ़ा था वी हियर डेड पीपल, वहाँ पर एक दुकान था वहाँ पर लिखा था वी हियर डेड पीपल, और अच्छा था, और ऐसे भूतों का ऐसे पिक्चर्स बनाया था, और ऐसे डबल फ्लोर्स के थे, और उधर ऐसे ब्लैक कांच वगैरह थे। वी क्या था स्टार्टिंग? वी हियर डेड पीपल। किरण का गब्बर पे राइजर्स लगे हुए हैं, तो मैं जब टेस्ट राइड ले रहा हूँ, हम लोग को और भी थोड़ा काम करना है, मेरे बाइक का हैंडल बार भी चेंज होने वाला है, वो हो रहा है, तो उसके पहले ये थोड़ा सा मैं टेस्ट राइड लेके आता हूँ, एंड देन आई विल टेल यू कि बहुत इनिशियल इंप्रेशन तो बहुत सही है। इसका डिटेल में रिव्यू आएगा कि स्टॉक हैंडल बार के बाद में राइजर्स डालने के बाद कितना मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, सब अच्छे से आपको आएगा। तब तक मैं तेरा हेलमेट लेकर आती हूँ। ठीक है वैसे, और वहाँ पर झुकनी का काम भी चल रहा है। गब्बर एकदम चकाचक स्वादिष्ट दिसत आहे, इसके पीछे ही इचा पाठी मागत आहे गब्बर। और इधर आते ही है ना, सचिन ने बोला कि ये भी लगा ना, ये भी लगा, दिस इज चॉकलेट वाला शॉप होता है ना, ये भी लगा के दे दो, ये भी लगा के दे दो, हाँ ये भी करके दे देते। और उसके लिए ना मतलब सचिन में राइड कंफर्टेबल करने के लिए ना बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक चीजें होती है ना वो हमेशा करना, जैसे बेसिक चीजें, जैसे बेसिक चीजें आपको क्रैश गार्ड वगैरह चाहिए, जैसे अभी किरण का जो हैंडल बार है ना थोड़ा सा इसके भी बॉडी से थोड़ा सा दूर था, तो मुझे नेक के नीचे थोड़ा सा 1 इंच नीचे दर्द होता था बिकॉज ऑफ दैट, तो राइजर्स लगी हुई है, सैडल स्टे लगी हुई है, क्रैश गार्ड्स तो हम लोग ने ट्राइम्स से ही लगवाई हुई थी, तो और बैश प्लेट्स भी लगाई हुई थी, तो बाइक की सेफ्टी के लिए ना ये 4-5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। राइजर्स ये सब थोड़ी है ना, नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, लेकिन खुद की कम्फर्ट भी देखना, क्योंकि एक बाइकर का नेक और कमर दोनों बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे राइडिंग करते हो तो योर हेलमेट, योर जैकेट, योर पैंट, ग्लव्स, ये सब बेसिक चीज़ होती है ना, वैसे ही बाइक सेफ्टी। तो सबसे पहले खुद को सेफ, हम लोग ये बहुत बार बोलते हैं, बट फिर भी आप कोई कोई नए आ सकते हैं यहाँ पे, तो उनके लिए, नए लोगों के लिए, बाइक से पहले खुद को सेफ बनाओ, उसके बाद में बाइक को सजाओ, वो तो कितना भी सजाओ ना कम ही पड़ता है, कम ही पड़ता है, क्योंकि बाइक खरीद लोगे लेकिन खुद की लाइफ में अगर कुछ भी डैमेज हो गया ना तो कभी रिपेयर नहीं होगी, और अगर होगी भी तो उसमें ना कुछ दर्द रहेगा हमेशा। मेक श्योर करो खुद को सेफ एंड देन बाइक को सेफ। ये बताने से पहले आई विल टेल यू कि कहाँ पे हम लोग है और क्या क्या चीजें होने वाली है, एंड सिमिलर स्टफ यू विल गेट एट ब्रूम स्टोर एज वेल। बुलाना चाहता हूँ हेमंत भाई, हेमंत भाई अगर फ्री हो तो आ जाइए। सो हम लोग काफ़ी टाइम से बात कर रहे हैं, काफ़ी ब्रूम स्टोर पे भी काफ़ी लोग, मतलब छोटी मोटी चीज़ें होती है और बड़ी, जैसे क्रैश गार्ड वगैरह होते हैं, सैडल स्टे लगा हुआ है, यस फॉर सॉफ्ट लगेज, इस पे हम लोग पैनियर भी लगा सकते हैं, ये रॉयल एनफील्ड के पैनियर के इस तरह से फ्रेम डिजाइन है, ओके लगा सकते हो, लेकिन अभी माउंटिंग जो है थोड़ा सेटिंग करना पड़ेगा वो, ओके ओके ओके। सो हम लोग को सॉफ्ट लगेज, यस रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना दिया है, और जो जैसा बात किया था उसके बारे में बात करेंगे। सो रियली थैंक यू फॉर 4-5 दिन में करने के लिए, आप HDT कस्टम्स रूम में भी देखोगे, तो कुछ भी क्रैश गार्ड जो जो अवेलेबल करंटली है HDT कस्टम्स का, जो भी अभी पोर्टफोलियो है वो हिसाब से सब अपना रूम स्टोर पे मिलेगा, तो स्टोर पे आके वील ऑल्सो हेल्प यू आउट टू फिट एवरीथिंग, सैडल स्टे है, क्रैश गार्ड्स है, अभी अपने पास थ्री फिटिंग इश्यूज आता है तो हम लोग कोऑर्डिनेट कर लेंगे, वो सब हो जाएगा। तो कौन सी बाइक्स के लिए क्या क्या अवेलेबल है ना, डिस्क्रिप्शन में लिस्ट भी रहेगी और यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपको मिल जाएगा कि क्या क्या अवेलेबल है फ्रॉम HDT कस्टम्स एट ब्रूम स्टोर। देख सकते हो कि बड़ी बाइक ही नहीं, अपने पास जो भी नॉर्मल बाइक्स होती है
जैसे 250 है वहाँ पर और बाकी सारी बाइक्स है उसकी भी काम होती है यहाँ पर, मोस्टली एडवेंचर बाइक्स यस। तो यहाँ पर इसकी भी सैडल्स से लगने वाली है, आई थिंक वाइट कलर की लगने वाली है। सो मेरा भी हैंडल बार चेंज, मतलब चेंज नहीं, स्टॉक हैंडल बार पे मैं वापस स्विच हो रहा हूँ। यहाँ पे बिट्टू क्वाइट हार्ड वर्किंग, मैं ऑलरेडी आया था, बहुत फास्ट है, अच्छा लग रहा है यार। ये मेरा जो था ना एकदम ऐसा एकदम स्ट्रेच था मैं अभी, ये मस्त कंफर्टेबल, मेरे एल्बोज रिलैक्स्ड है यहाँ पे ऑलमोस्ट। हाँ, इसमें मैं आराम से आपको बताएंगे, यहाँ पे 1.75 इंच हैंडलबार राइजर लगाया हुआ है, उसके बाद में हाइट भी अच्छी हो गई है एंड ये ऑब्वियसली स्टॉक हैंडलबार कंफर्ट भी मेरा बहुत अच्छा था। स्नोफी भी हेलो बोल रहा है, हेलो स्नोफी। अभी आँख मारा गया था, अभी डिसेंट बिहेव कर रहा है, ये गुड बॉय बन रहा है। तो गाइस बाइक्स का छोटा मोटा काम जो है वो चलता रहेगा, थोड़ी देर बाद हम लोग वापस आएंगे। नहीं, छोटी मोटी का बात नहीं है, जहाँ पर जाने वाले ना वहाँ पर पार्किंग में ना पार्किंग नहीं है और लोग बैठते हैं फिर पार्किंग पे, बाइक पे बैठ के देखते ना बड़ा गुस्सा आता है, तो रिस्क नहीं लेना था इसलिए चल के जा रहे हैं, बहुत मस्त वाली चीज पे जा रहे हैं, उसके बारे में बताएंगे। गणपति बप्पा, और यार क्या मस्त मंदिर है, शिव शंकर गणेश भी है उधर, एक नीचे वो तो होना ही चाहिए उधर। सो गाइस ये मीटिंग सक्सेसफुल रही है, आई होप नाम नहीं दिख रहा हो, ये प्रोडक्ट लॉन्च जल्दी होगा, जल्दी होगा, आफ्टर सो मेनी सैंपल पीसेस फाइनली गाइस, अभी 2-3 दिन ये टेस्ट करेंगे अच्छे से और फिर प्रोडक्शन में जाएगा और जल्दी लॉन्च होगा हम लोग के नेक्स्ट लद्दाख राइड से पहले। टेस्टिंग तो काफी चल रही है, ये फाइनल वाला टेस्टिंग, फाइनल वाला टेस्टिंग होने वाला है यहाँ से। बाय बाय गाइस, थैंक यू। वाओ, बाइक को एक अलग जान सी लग रही है मुझे, इधर से ही है ना। हाँ, लद्दाख प्रैक्टिस इधर ही होने वाला है क्या मेरा? ओ ये हाँ, गाइस आगे जो बैग लगी हुई है वो ज्यादा देखो मत आप लोग, किधर लेफ्ट राइट, सचिन ये बहुत फ्लिकेबल हो गया, मेरा बहुत जाम था। अभी हम लोग थोड़ा भाई साहब को खाना पीना खिलाएंगे फिर चलेंगे। ओके बाय, हेलो या यूट्यूब, बाय बाय। बोल रहा है बसली ट्रैफिक चालू होगी, भगवान नको माला ट्रैफिक पाई जे। बहुत सारी ट्रैफिक है बिकॉज ऑफ हैंडल बार राइजर्स, पता नहीं बहुत अच्छा तो लग रहा है, कोने कोने से निकालने में एक अलग मजा आ रही है। चलना, ये लोग ऐसे बीच से आकर है ना डरा देते गाइस। सचिन थोड़ा पीछे रुक गया था मेरे लिए, उसको लगा मैं पीछे हूँ, आ जाएगा वो भी वह भी। ऐसे लोगों से संभल के लास्ट 2.5 घंटे से हम लोग ट्रैफिक में अटके, बाइक वाइक बंद करके बस लो आए हैं। अमी सचिन है वहाँ पर, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा। लेट्स सी, हवा ले रहे, हवा हवा पाई जे, हवा ऐसा सुकून मिल रहा है ना, एकदम थकावट निकल गई है। सो गाइज इफ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर यू लाइक शेयर सब्सक्राइब
Always wear a helmet and keep grooming. No matter कितनी गर्मी लग रही हो, अपने एल्बो को प्रोटेक्ट नहीं करना है, अपने सर को प्रोटेक्ट करना है. यहीं पर टाटा बाय बाय, सी यू, शबा खैर, शुभ.